राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। सिंगरौली जिले से आ रही है अब तक की बड़ी खबर। सिंगरौली जिले ग्राम पंचायत क्षेत्र रौहाल, जहां उचित मूल्य की दुकान, जहां सेल्समैन द्वारा हितग्राहियों से अंगूठा लगवाकर खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। हितग्राही ने बताया, खाद्यान्न ना मिलने से हम लोग परेशान हैं। कोई बोलता है कि 3 महीने का नहीं मिला है और कोई बोलता है 5 महीने का नहीं मिला है। और तो और कभी मिलता है तो प्रत्येक कार्ड पर 1 किलो, कभी 2 किलो काट लेते हैं। लोग दूर दराज जंगल क्षेत्र से खाद्यान्न लेने आते हैं, लेकिन उनके हिस्से का भी खाद्यान्न काट देते हैं। ग्रामीणों ने कहा, ऐसे 400 BC करने वाले सेल्समैन को बार बार हटा दिया गया था, फिर भी गरीब लोगों का उनके हिस्से का नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का खाद्यान्न लूटा जा रहा है। वहीं की ग्रामीणों ने कहा, ऐसे सेल्समैन हम लोग को नहीं चाहिए जो कि हितग्राहियों का खाद्यान्न लूट खा जा रहे हैं। सेल्समैन का कहना है कि आप जहां भी हमारी शिकायत करना हो कर लो, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। सेल्समैन का नाम राम सिंह, शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम राहुल बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर साहब से निवेदन करते हुए कहा कि सेल्समैन की जांच हो, इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और हर गरीब को खाद्यान्न मिल सके। सिंगरौली से MPCG 24 समाचार के लिए विपिन चंदेल की रिपोर्ट। का नाम क्या है? नारायण सिंह। पिताजी क्या? श्री मोहन सिंह। किस पंचायत के रहने वाले हैं? रौहाल पंचायत। क्या समस्या है आपको? मेरे खाद्यान्न नहीं मिल रहा। कितने महीना का नहीं मिला है? वो आगे 3 माह का नहीं मिल रहा है। फिर अभी? अभी 1 माह का नहीं मिला था। कौन सा कूटेदार का क्या नाम है? राम सिंह। कोटा कौन सा है? रौहाल राम सिंह चला रहा है। राम सिंह किस पंचायत का कोटा है? रौहाल पंचायत। बोलिए, रौहाल पंचायत का। तो अभी 5 महीने का आपका नहीं दिया है? हाँ, 5 महीने का। ठीक है,